जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की रैलियों का दौर शुरू हो गया है। कल अमित शाह के बाद आज राजनाथ सिंह ने बीजेपी के पक्ष में जनसभाएं की तो विरोधियों पर जमकर भी बरसे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस, एनसीपी और पीडीपी पर उनके देश विरोधी नीतियों पर सवाल खड़े किए। इस बीच बाकी दलों के बड़े नेता भी जनता के बीच जनसभाएं करके समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के जश्न की ब्यार बह रही है। बदलते और नए जम्मू कश्मीर की सियासत की बागडोर संभालने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में रविवार को रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने रामबन और बनिहाल की चुनावी रैली में जम्मू कश्मीर में किए गए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक भाजपा है तब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो सकती है। उन्होंने अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने पूछा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या माला पहनाई जानी चाहिए। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी, अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कहा अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु का यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं, आइए हमारे साथ आइए। आप लोग तो अब सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 को हमने समाप्त किया है। किसने समाप्त किया है? आपकी बदहाली को समाप्त करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाली लाने के लिए हमने लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने प्रचार को धार देती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि बहुमत हमारी होगी, सीटें कितनी होंगी वो वोटर तय करेगा। वहीं पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए पार्टी पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश की जनता एनसी को जरूर सबक सिखाएगी। अगर आज वोट की इज्जत है वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने कठुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा करनाह से इदरीस करनाही, हंदवार से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनवारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन, गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को टिकट दिया है। धीरज और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की, लेकिन